नहीं तो क्या तुझे नहीं चाहती? आप सोच रहे होंगे ये किसकी बात कर रहा है? ऑफ कोर्स दोजख मिर्जा की। रिसेंटली जन्नत बाजी की वड्डी बाजी की शादी हो रही है, तो उन्होंने इस शादी पे तवाइफे महक मलक खुसरे वगैरह बुला के नचाने की बजाय अपने टिकटॉक के सारे दोस्तों को बुला के नचवाया। तो सारे दोस्तों के मुजरे भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उनमें से एक दोस्त था थी कैंडोल। तो इसी के बारे में जन्नत मिर्जा को पीरो मुर्शिद उमर बटसा फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे सताया उसने खुसरा ही नचाया। Fantastic. लगता है ये भाई सब धोखा खा के या धोखा दे के अपने आप को नल्ले आशिकों का पीरो मुर्शिद समझ रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा जिसने मुझे सताया। अबे एडी तू पीली तंबूड़ी। वैसे यार ये तरीका ठीक है पैसे बचाने का। खुसरों चुसरों को तो पैसे देने पड़ते हैं, पैसे उड़ाने पड़ते हैं। दोस्तों ने कौन सा पैसे मांगने हैं, बल्कि दोस्तों ने तो पैसे दे के जाने हैं। गुड आइडिया। तभी मैं कहूँ आजकल ये मॉडर्न लोग खुद ही क्यों नाच नुच लेते हैं। क्या बात, ये बात है। ये वजह है, पैसे बच भी जाते हैं, उल्टा दिहाड़ी भी लग जाती है। ये क्या है? क्यों रहे है? हमारे यहाँ तो दुल्हन हिलती ही नहीं और ये हिल जुल रही है। ये देख रहे हो पैसे, पहले ये पैसे खुसरों पे फेंके जाते थे, अब दुल्हनों पे ऊपर है। अच्छा है ना अंधा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। की ब्लॉक है, कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहते है कि जो भी आपके सामने इस तरह ठड़क झाड़े उसको फौरन ब्लॉक कर दो। लाओ साहब, जबकि ये फेमस ही ठड़क की बुनियाद पे हुई है। नहीं की ना भाई, खुद लाइव डेमो देख लो। मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हीटर बन चुकी हूँ। हाँ जी, कर दो ब्लॉक अब इन सब के सब ठड़कियों को। वैसे कैसे करोगी, एक ही तरीका है, क्योंकि सारी फैन फॉलोइंग तुम्हारी ठड़की है, इसलिए खुद को ही ब्लॉक कर दो। आपको ये क्या लगा सही बताना नीचे कमेंट्स में। मुझे जो लगा मैं तो नहीं बता सकता, मगर क्यों, लेकिन रियलिटी में ये जन्नतबाजी की वालदा मोहतरमा आपका पूरा खानदान कंट्रोल। अब तो यही हो रहा है भाई, अब क्या बहन क्या बीवी क्या बेटी क्या दुल्हन क्या माँ सब नाचती हैं। खुले में हगना बंद करो भाई। हम तो कहेंगे शादी कामयाब हो, जिंदगी का नया सफर है, कामयाब हो सबका। लेकिन यार दिस इज नॉट अवर कल्चर, ये हमारी तहजीब सकाफत तमद्दन के बिल्कुल खिलाफ है भाई। ठीक है शादी है, हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन लड़के अपनी तरफ करें, लड़कियां अलहदा करें, लेकिन उसकी वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाना। आप खुद देख लो पाकिस्तान में कैसा माहौल क्रिएट हो चुका है, और जो पीछे दम वाला पानी है मैं उसको ब्लर कर देता हूँ, एवं स्ट्राइक आ जाती है यार। जन्नत जन्नत, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगी। She is looking drunk. मैं समझी खुश रहे हैं सीरियसली। खैर फंक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया कि इन सब के कैसे होते हैं, और फंक्शन के बाद भी दिखा दिया क्या होता है, कि सबको कैदी डब्बे में घुसा के कि चलो अन्नी दियो हुन घर चलो। तेरी हुए हुए, ये बाबा तो बहुत पहुंचा हुआ है। दोस्तों ये इतना पहुंचा हुआ है कि लोग पहुंचे चौक चौक के इसके पास पहुंचते हैं। आपने नोट किया होगा यूट्यूब पे आपको तकरीबन 2-3 साल पहले इस शुभ शुभ वाली सरकार की मीम्स वगैरह मिलती होंगी, लेकिन अगर आप सर्च भी करें तो इसके खिलाफ कोई भी मीम कोई भी वीडियो नहीं मिलती। उसकी वजह जो भी इसके खिलाफ वीडियो बनाता है ये वीडियो उड़वा देता है। नहीं नहीं नहीं, शुभ शुभ करके नहीं, प्रॉपर बंदे रखे हुए हैं कि जैसे कोई मेरे खिलाफ वीडियो बनाए स्ट्राइक मार दो। ये वजह है कि ज्यादातर यूट्यूबर्स अब इसको एक्सपोज ही नहीं करते, अब इस शुभ शुभ की करामते देख के सबका हासा निकल जाता है। आपको दिखा तो दूं, मेरे पास कंटेंट पड़ा है, लेकिन मुझे स्ट्राइक भी पड़ जानी है। लेकिन चलो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शुभ शुभ दिखा ही देता हूँ। 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ, बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। करम है अभे, नारियल के खोपे, ये करम नहीं बीमारी है। एक मिसाल, अगर ऐसा हो भी कि ये 18 साल से नहीं सोया तो मुझे बताओ क्या ये रब का करम है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
ये क्या है? लो बाबा जी, उसे शुभ करने की क्या जरूरत है, उसे एक चरस वाला सिगरेट बना के दो, उसने उठ के दौड़ने लग जाना। उठ के जा, उठ। बस यही करता है जो लोग यहाँ पे आए होते हैं उनको इसी तरह पागल बनाता है कि अपना ही कोई एक अद्दा नमूना रखा होता है जिनको सारी ऑडियंस के सामने कहता है कि फुफ उठ के दौड़ चल। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। वैसे तो इस तरह के शुभ शुभ दूसरे मजाहिब में भी मशहूर मकबूल है। परेशानी गले में हल्की सी खुजली है, छीकन में आराम है, एलर्जी गले में खुजली है। मुंह खोलो, लगाओ मैं पूछो कहाँ खुजली खत्म पाइप पे बोलो। नहीं है, नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? मतलब देखो जाओ। देखा, तरीका वारदात हर जगह सेम है सबका। बस लोगों में भी तो अकल होनी चाहिए ना यार, जो इस तरह के ढोंगियों के पीछे लग जाते हैं। अब यार देखो, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसका क्या, ये तो नहीं बदनाम हो रहा, बदनाम तो दीन हो रहा है। कीचड़ तो हमारे ऊपर उछल रहा है, धब्बा तो हमारे ऊपर लग रहा है। इस तरह के फ्रॉडियों की वजह से बाकी भी बदनाम हो रहे हैं, लोग इस्लाम का मजाक बनाते हैं। काफी दिनों से इकरारुल हसन साहब इसके पीछे लगे हुए हैं, उसके पास भी गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बातों को घुमाता रहा, उल्टा अन्नी देने ले ली। अबे वो चाय की ग्रेवी मांगने वाले, सवालों के जवाब दो, चुमिया ना दो। भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है? भाई उधर रेलवे। खैर वो आगे से बस ड्रामेबाजी करता रहा, इकरार भाई को खाली हाथ आना पड़ा। हाँ लेकिन साथ में एक चुम्मी मिल गई। अब इकरार भाई ने फैसला लिया कि एक्सपोज तो इसको मैंने कर दिया, अब इसका अड्डा बंद करवाना, चलो देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। अबे बाजी चुबुर्जी, तुझे भी पता है रोला तेरा यार बनाने की वजह से नहीं पड़ा, बल्कि तेरा खुद को खुसरा बनाने की वजह से पड़ा। भाई आप देख रहे हो, खुसरे आजकल लश पश हो के फिर रहे हैं, खुसरों का स्कोप ही बड़ा ज्यादा है, इसलिए खुसरों की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। आ गई हूँ मैं गाइस, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं बना हुआ है, मुझे खाने में बहुत भूख लग रही है, कुछ भिजवा दो। भाग यहाँ से चुई जाए। एवरी चूहा रात के 2 बजे। अबे मुझे खाने में बहुत भूख लग रही है। अबे लसूड़िए जाइए, मैं तो डारी गया, पता नहीं केरी शाय निकल आई है। तुम अगर आराम से भी वीडियो बनाओ फिर भी लोग डर जाएंगे, टेंशन ना लो, इस तरह डराने की क्या जरूरत है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। कुर्सी को लात मारने की वजह से बेचारे का सांस फूल गया है। भाई किसी भी जगह खड़ा होने से पहले पैंट की इलास्टिक जरूर टाइट कर लिया करो, एहतियात जरूरी है। पीछे जो लड़की कह रही है ना, वरना गोली ना चलती तेरे हाथ से, तो ये उसी चली हुई गोली का खोखला है। वैसे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, भाई का कुर्सी को लात मारने की वजह से सांस फूला है या खड़ा होने की वजह से ही फूल गया। खैर दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है बस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो यार लाइक करना मत भूलें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें तो चलता हूं यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।